एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इंडिया फंटेसी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड का 27वां मुकाबला, जो कि वर्ल्ड कप 2024 का बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है, और खास करके मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देख के जाना। आज फाइनली बताने वाला हूं कौन ऐसे बड़े बड़े प्लेयर आज के इस मैच में फ्लॉप जाने वाले हैं, और वहीं पे हम बात करने वाले हैं कौन ऐसा कम सिलेक्शन वाला खिलाड़ी जो आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स देकर जाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहना होगा इन सारी चीजों को देखने के लिए और समझने के लिए। अगर मेगा ग्रैंड लीग की फाइनल टीम बनाना चाहते हो, टॉप पे रैंकिंग कराना चाहते हो अपनी टीम को, तो जरूर से पूरा वीडियो देख लेना। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलो यहां पर हम सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो मैच नंबर, जैसा कि मैंने बताया 27वां T20 वर्ल्ड कप 2024 का 27वां मैच है, और 13 जून 8 बजे शाम को यह मैच खेला जाने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं कॉमन प्लेयर जितने भी है ना भाई दोनों टीमों से, उनके ऊपर डेप्थ एनालिसिस करके देने वाला हूं। उनमें कौन से प्लेयर आज फ्लॉप जा सकते हैं, कौन ऐसा प्लेयर है जो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकता है, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। टर्म प्लेयर भी बताने वाला हूं, मस्ट हैव पिक बताने वाला हूं, उसके बाद प्लेयर मैचअप भी आपको बताने वाला हूं, और भी बहुत सारे कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले ये जो मैच खेला जाने वाला है अर्नोस वैले स्टेडियम किंग्स टाउन के अंदर, मतलब कि वेस्ट इंडीज के अंदर ये मैच खेला जाने वाला है। अब इस ग्राउंड का क्या बिहेवियर रह सकता है सबसे पहले हम वही जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो भाई, लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं रहना, साथ में बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सेट कर लेना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहां पर फैंटेसी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको फ्री में देता हूं, एक भी पैसा आपका नहीं लगने देता। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाइए फटाफट से ये काम कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो ग्राउंड है भाई, ये ग्राउंड जो है स्पिनर के मुफीद माना गया है। वहीं पे बात करें तो बैलेंस पिच रह सकता है, क्योंकि यहां पर बैट्समैन को भी ठीक ठाक सपोर्ट मिलता है, और वहीं बॉलर्स भी अच्छे खासे विकेट से लेकर जाते हैं। अब देखो वेन्यू स्टेट्स पे आप नजर डालोगे तो देखोगे हाईएस्ट स्कोर यहां पर 158 का है, वहीं पर लोएस्ट स्कोर जो है ना 132 का है। अब आगे बढ़ते और भी फैक्ट जान लेते हैं इस ग्राउंड का, तो यहां पर सबसे पहले वेन्यू स्टेट्स पे नजर आप डालोगे तो नजर आएगा कि टोटल मैचेस यहां पर 5 खेले गए हैं अब तक, ठीक है ना, 5 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 1 मैच को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 3 मैचेस को विन किया, और 1 मैच नो रिजल्ट पे था। एवरेज स्कोर की बात करें तो 144 का है, कोई ज्यादा नहीं है। अब स्कोरिंग पैटर्न पे आप नजर डालोगे तो यहां पे देखोगे 150 से नीचे 4 बार बना है भाई, वहीं पे 150 और 169 के बीच में 1 बार बना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 158 रन, ठीक है ना। अब यहां पर हम सबसे पहले जान लेते हैं वेदर रिपोर्ट, यह भी जानना आपका जरूरी है एक यूनिक टीम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वेदर रिपोर्ट का जानना भी जरूरी है। अब देखो 27.1 डिग्री सेल्सियस यहां पे तापमान नापा गया, वहीं पे 82% ह्यूमिडिटी नमी है। अब क्लाउडी की बात करें मतलब बारिश का भी यहां पर हल्का फुल्का चांस है भाई 22%, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहां पर बारिश हो पाएगी। पूरे ओवर का मैच आप पूरे इंजॉयमेंट के साथ बड़े इजीली देख पाओगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी फैक्ट जान लेते हैं यहां पर पिछले 3 मैचों का लेखा जोखा हम जानेंगे, ठीक है ना। अब ये पिछला जो 3 मैच है, लास्ट का जो 3 मैच है, ये वुमेन्स का मैचेस है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर समझने की जरूरत है, क्लोज होने की जरूरत है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वुमेन्स और मेंस में, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब देखो यहां पर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 111 रन बनाया, यहां पर सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने इस मैच को विन किया था। अब देखो पेसर को यहां पर 11 विकेट्स मिले थे और स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सुपर ओवर का मैच था, उसके बाद यहां पर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 101 रन बनाया था, वेस्ट इंडीज ने 102 रन बनाकर मैच को 7 विकेट से जीत लिया था। अब देखो यहां पर पेसर को 6 विकेट मिले और स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिला था। हालांकि कुछ मैचों का आप लेखा जोखा देखेंगे वैसे तो स्पिनर के मुफीद माना गया, लेकिन अभी का जो लास्ट मैचों का जो यहां पर बिहेवियर है पिच का वो कुछ अलग है। अब देखो यहां पर 23 सितंबर 2014 को मैच हुआ, वेस्टइंडीज फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहां पर 92 रन का टारगेट दिया, वहीं पर न्यूजीलैंड ने 94 रन बनाकर के मैच को चेज कर लिया भाई, ठीक है ना, 7 विकेट से। यहां भी चेज कर लिया वेस्टइंडीज ने और यहां भी चेज कर लिया न्यूजीलैंड ने,
अब देखो यहां पर पेसर को 5 विकेट मिले और स्पिनर को 4 विकेट मिले, ठीक है ना। तो यहां पर मिला जुला क्या आपने देखा, चेस करते हुए 2 मैचेस को विन किया हुआ गया क्या गया हुआ है, उसके बाद एक मैच यहां पर सुपर ओवर का था जो बराबरी का था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि चेस करना यहां पर बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। यह चीज आपको ध्यान में करना है, और एक चीज आपको ध्यान में करना है कि पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहां पर स्पिनर के मुफीद ये पिच माना गया है, लेकिन यहां पर बिहेवियर कुछ और ही कह रहा है, मतलब कि पेसर अच्छे खासे विकेट्स यहां पे आपको लेते हुए दिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सब जानने से पहले सबसे पहले प्लेइंग 11 पर चलेंगे और हम यहां पर देखेंगे कि कॉमन प्लेयर कितने हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका एनालिसिस करना हमारा जरूरी है। यहां पर कॉमन प्लेयर में कौन कौन खिलाड़ी है जो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, और कौन बड़ा प्लेयर यहां पर आपको ड्रॉप करने की जरूरत है जो फ्लॉप जा सकता है। अब देखो यहां पर बात कर ले बांग्लादेश की तरफ से, तंजीद हसन खेलता हुआ आपको नजर आएगा, उसके बाद एन हुसैन संतो। अब देखो ये सब सारे खिलाड़ी जो है ये टॉप का बैट्समैन है, लेकिन परफॉर्म नहीं होने की वजह से रिसेंट परफॉर्म जो है वो बहुत ही खराब है, इसलिए लोग कम लेके जा रहे हैं। लिटल दास का ये कॉमन प्लेयर आपको नजर आएगा, वहीं पे साकिब अल हसन भी कॉमन पर, हालांकि अभी प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं है, क्योंकि जितने भी मैचेस हुए ना वहां पर स्पिनर को विकेट्स ना के बराबर मिल रहे, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे साकिब अल हसन फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोग बड़े प्लेयर के नाते ना ज्यादातर लोग अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं। वहीं पर तौहीद हिरदौ आपको कॉमन प्लेयर नजर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आर हुसैन ये कॉमन प्लेयर नजर आएंगे, तस्कीन अहमद कॉमन, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान यहां पे कॉमन प्लेयर नजर आएंगे। तो ये कुछ ऐसे 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन आपको यहां पर नजर आएंगे, ज्यादातर लोगों की टीम पे आपको नजर आने वाले हैं। अब देखो इधर से नेदरलैंड की तरफ से आपको मैं आप बता दूं यहां पे मैक्स ओवेड यहां पे ये कॉमन प्लेयर आपको नजर आएंगे, वहीं पे बस डीडे ये कॉमन प्लेयर नजर आएंगे, उसके बाद बात कर लें एल्वन विक ये कॉमन प्लेयर आपको नजर आने वाले हैं, और P1 मिकेरन ये कॉमन प्लेयर। ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमन है, तो क्या बाकी के खिलाड़ी नहीं चलने वाले? बिल्कुल भाई, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कौन खिलाड़ी किस कंडीशन में आपको लेके जाना है, ठीक है ना। क्योंकि आज ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना भाई, जैसा कि आपने आईपीएल में देखा वहां पर बल्लेबाजों का बहुत ही तगड़ा परफॉर्म था, ठीक है ना, वहीं आप यहां पे देखेंगे तो बॉलर्स का बहुत ही तगड़ा परफॉर्म इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है, और बल्लेबाज फ्लॉप जा रहे हैं। अब देखो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज यहां पर कमाल कर सकते हैं, अब वो कौन से बल्लेबाज हो सकते हैं फाइनली मैं आपको बताऊंगा, और ओपनर मतलब ओपनर जो सलामी बल्लेबाज होते हैं क्या वो आज के इस मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले या फिर फ्लॉप सारे मैचों की तरह जाने वाले, सब कुछ एक एक करके मैं आगे आपको बताने वाला हूं। आपको बस देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, इस मैच में साकिब अल हसन को नहीं लेना है, कट करके ले जाना, ठीक है ना, नहीं लेके जाना है। तौहीद हिरदौ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, उसके बाद यहां पे आर हुसैन के साथ आप जा सकते हो। यहां पे देखो पिछले मैच में मुस्तफिजुर रहमान विकेट लेस था, लेकिन इस मैच में विकेट लेके जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। वहीं पर यहां पर जो ना ऑलराउंडर सेक्शन से बस डीलिडे और यहां पर एल्वन विक ये 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। मिकेरन को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ज्यादातर लोग लेके जा रहे हैं, लगभग 75-80% लोग अपनी टीम में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आज के इस मैच में आपको ड्रॉप करने का आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद मैक्स ओडाउट को आप लेके जा सकते हो, इस मैच में भी आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारा फैक्ट मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। अब चलो पीछे चलते हैं, यहां पर देखो हम वहीं पर चलते हैं जहां से हम आए थे। देखो यहां पर हम आ गए पेसर वर्सेज स्पिनर का, यहां पर देख लेते हैं। देखो स्पिनर को यहां पर पिछले 3 मैचों में सिर्फ 6 विकेट्स मिले और पेसर को 22 विकेट्स मिले हैं। अब यहां पे आ जाते हैं, पेसर फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट लेकर गए और सेकंड इनिंग में दोनों इनिंग्स के लिए, यहां पर देखो सेकंड इनिंग में 12 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट, दोनों इनिंग्स के लिए पेसर यहां पर अच्छे खासे विकेट्स लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये वुमेन्स मैचों का रिकॉर्ड है, यहां पर मेन्स मैच में भी इस वर्ल्ड कप में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखो स्पिनर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 4 और सेकंड इनिंग में 2, तो क्वालिटी स्पिनर को ही रखना है, अदरवाइज आपको रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जान लेते हैं। यहां पे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, पिछले 4 मैचों में जब ये दोनों टीमों का आमना सामना हुआ तो इनका क्या रिकॉर्ड है, क्या परफॉर्मेंस है, ये भी हम जान लेते हैं। तो देखो पिछले 4 मैचों में 3 मैचेस को बांग्लादेश ने विन किया और एक ही मैच नीदरलैंड ने विन किया। तो अब इस मैच में क्या हो सकता है, आपको किस टीम के फेवर में टीम बनाना चाहिए,
तो वो फाइनली मैं आपको बता देता हूं। देखो बांग्लादेशी फेवरेट रहने वाला है, बांग्लादेशी जीतने वाला है, लेकिन टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे टीम आपको क्रिएट करना है। अब देखो लास्ट पांच मैचों का परफॉर्म देखोगे बांग्लादेश का, तो तीन मैच लूज करके आ रही है, दो मैच विन करके आ रही है। वहीं पर लास्ट नीदरलैंड का देखोगे तीन मैच ये भी लूज करके आ रही है, दो मैच विन करके आ रही है। उसके अकॉर्डिंग देखोगे दोनों का पलड़ा सेम है। अब आगे यहां पे हम बात कर रहे थे विनिंग परसेंटेज की, तो देखो पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहां पर बांग्लादेश का 80% चांस है इस मैच को जीतने का, वहीं पे 20% चांस यहां पे नीदरलैंड का बनता है। लेकिन यहां पर जब मैं आपको बता दूं फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आती है नीदरलैंड की तो 50% का मामला हो जाएगा, 50% चांस हो जाएगा नीदरलैंड का भी जीतने का इस मैच को। यह चीज मत भूलना कि एक मैच पिछले चार मैचों में एक मैच नीदरलैंड ने भी विन किया है, क्या पता यह भी मैच विन कर ले, लेकिन वो टॉस के ऊपर है भाई, यह चीज आपको ध्यान में रख के जाना है। अब देखो यहां पे ऑलमोस्ट मस्ट है पिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको आप सारी टीमों पे कंसीडर कर सकते हो। अब वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके साथ आप जा सकते हो, तो लिटिल दास को ऑब्वियसली आप लेके जा सकते हो अपनी टीम में, उसके बाद तौहीद हिदायत को लेके जा सकते हो, तश्कीन अहमद को बॉलिंग सेशन से उठा सकते हो, तंजीम हसन साकिब को भी आप बॉलिंग सेशन से उठा सकते हो। ये चार खिलाड़ी है ना बांग्लादेश की तरफ से अच्छा परफॉर्म आपको करते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर बात करें नीदरलैंड की तरफ से तो बस्टी लीडे को लेके जाना, उसके बाद एलवन विक को लेके जाना है और वी किंगवा को लेके जाना है। तो ये तीन खिलाड़ी नीदरलैंड की तरफ से आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा और अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। ये सात प्लेयर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्या आप अपनी सारी टीमों पे कंसीडर कर सकते हो, चाहे वो स्मॉल लीग की टीम हो या फिर ग्रैंड लीग की, दोनों कंडीशन में आप लेके जा सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा टीम क्रिएट करना। अब देखो यहां पर हम बात कर ले सीबीसी कॉम्बिनेशन, अब ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके सारे खिलाड़ी 11 के 11 प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा बन भी जाता है फिर भी सीबीसी पे बात अटक जाती है। अब ये चीज आपका जानना जरूरी है पिच का बिहेवियर देखते हुए। आपको मैं आपको बता दूं यहां पर देखो मुस्तफिजुर रहमान बेस्ट सीबीसी का कंटेंडर हो सकता है, उसके बाद आर हुसैन बेस्ट सीबीसी का कंटेंडर, उसके बाद तश्कीन अहमद, ये तीन खिलाड़ी बांग्लादेश की तरफ से आपको कंटेंडर बनते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद बस्टी लीडे यहां पर नीदरलैंड की तरफ से और एलेवन वीक, ये दो खिलाड़ी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं नीदरलैंड की तरफ से। अब देखो किस मतलब कॉम्बिनेशन कैसे लगाओगे, तो देखो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बॉलिंग आती है तो यहां पर मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ आप जाना और कैप्टन बनाना। उस कंडीशन में वाइस कैप्टन आप एलेवन वीक को या बस एलेवन वीक ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद देखो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग आती है बांग्लादेश की तो आप आर हुसैन के साथ भी जा सकते हो, तस्कीन अहमद के साथ भी जा सकते हो। अब देखो यहां पर जैसे कैप्टन इसको बना सकते हो या फिर इसको, तो यहां पर बस्टी लीडर को वाइस कैप्टन आपको बनाना। मुझे लगता है कि देखो इसमें क्या है ना कि एलेवन वीक अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है ना तो मुझे लगता है कि एलेवन वीक आपके लिए कैप्टन का बेस्ट कंटेंडर रह सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है एलेवन वीक, चूंकि बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकता है, उसके बाद बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है। इस मैच में मुझे लगता है कि बस्टी लीडर का अच्छा परफॉर्म निकल के आएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन बता दिया, ये पांच ऐसे खिलाड़ी है ना जो सीबीसी का कंटेंडर बनते हुए दिख सकते हैं। अब ये है कि भाई आपको टीम के अकॉर्डिंग कितनी टीम बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आप रोटेशन कर सकते हो अपनी टीमों पे इन खिलाड़ियों को, पांच खिलाड़ियों को कोई भी बन सकता है भाई, किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है कि भाई कौन बन सकता है। लेकिन मैं एक क्यासन बता रहा हूं कि पिच का बिहेवियर देखते हुए और टीमों का मतलब जो रिसेंट फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इन खिलाड़ियों में से आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बना सकते हो। ये बांग्लादेश का प्लेइंग 11 आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं ये है नीदरलैंड का प्लेइंग 11। आप दोनों का प्लेइंग 11 आपने देख लिया। अब हम यहां पर विकेट कीपर सेक्शन की बात कर लें। अब हम यहां से हम सारे खिलाड़ियों के ऊपर डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस कंडीशन में आपको लेके जाना है और कितने खिलाड़ी विकेट कीपर सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से और बॉलिंग सेक्शन से। ये अगर आपने समझ लिया ना भाई तो आपको टीम क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो सकता है। अब देखो यहां पर लिटिल दास आपको बांग्लादेश की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद जैकर अली, ये दो खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखेंगे। वहीं पे स्कॉट एडवार्ड्स आपको खेलता हुआ दिखेगा नीदरलैंड की तरफ से। अब देखो लिटिल दास की बात करें भाई, ये खिलाड़ी ना एक तो कॉमन प्लेयर है, सारे 80% लोगों की टीम पे आपको नजर आने वाले हैं ये लिटिल दास, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी, और ये आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ मुझे लगता है कि दिख सकता है, इसलिए इसके साथ जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पे बात करें जकर अली, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे स्कॉट एडवार्ड्स को आप तब ट्राई करना जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए नीदरलैंड की, तो ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो।
यहां से एक से दो खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो, किसी टीम पे दो, किसी टीम पे एक। दो लेके जाओगे तो लिटिल दास के साथ स्कॉट एडवार्ड्स को लेके जाना, वो भी कब, जब फर्स्ट इनिंग में नेदरलैंड की बैटिंग है तो दो लेके जाना, एक इधर लिटिल दास और स्कॉट एडवार्ड्स, अदरवाइज आप एक ही लिटिल दास के साथ जा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बैटिंग सेशन में हम आ गए और इस सेक्शन में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस कंडीशन में हो सकता है, कितने खिलाड़ी यहां से आपको उठाने हैं, ये जानना आपका बहुत ही जरूरी है भाई। देखो यहां पर बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद तौहीद हृदय जो इंपॉर्टेंट रह सकता है, एन हुसैन संतो, भाई इतना बड़ा प्लेयर है एन हुसैन संतो और अभी अच्छे टच में नहीं है। अब देखो यहां पर बात गए तंजीद हसन की तो लेके जाना नहीं यार, ड्रॉप कर देना भाई, मुझे नहीं लगता कि ये चल पाएगा, फिर से आपको दो चार दस रन तक ही जाएगा। उसके बाद तौहीद हृदय इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है तो आप अपनी टीम पे रख सकते हो, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे एन हुसैन संतो को आप एक टीम पे ट्राई करना, वो भी फर्स्ट टीम में जब बैटिंग आए, ठीक है ना, अदरवाइज आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो मैक्स ओवर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिसेंट फॉर्म बहुत ही गजब है भाई, देख सकते हो 54-20, 60-33-30, मतलब कि नीदरलैंड की तरफ से मैक्स ओवर्ड एक ट्रस्टेड खिलाड़ी है जहां आप अपनी बाजी लगा सकते हो इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद विक्रमजीत सिंह इग्नोर करके जा रहा हूं भाई, ये मतलब मत लेके जाना, नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। वहीं पे तेजा निदा मनोरू ये खेलता हुआ दिखेगा, अब इस मैच में मुझे नहीं लगता कि कोई खास मतलब परफॉर्म निकल के आएगा, तो यहां से आप मैक्स ओवर पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब देखो इधर मैंने आपको बता दिया तौहीद हृदय, तो देखो यहां दो से तीन का कॉम्बिनेशन रखना, ज्यादा मत रखना, लेकिन मुझे लगता है कि दो खिलाड़ी बड़े इजीली ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है, तीन भी आ सकता है, तो आप रोटेशन कर देना। अब मेरा फेवरेट यहां पे तौहीद हृदय रहेगा, उसके बाद यहां पर मैक्स ओवर रहेगा, ये दो खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, बाकी मैंने आपको कंडीशन बता दिया किस कंडीशन में कैसे किसको लेके जाना है। अब यहां पे ऑलराउंडर सेक्शन, ये सेक्शन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको मतलब जो भी खिलाड़ी है ना वो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, तो इसका मतलब डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है और आपको समझना भी जरूरी है कि कैसे आप किसको लेके जाओगे। देखो यहां पर बांग्लादेश की तरफ से आपको साकिब अल हसन खेलता हुआ दिखेगा जो कि बहुत खराब दौर से गुजर रहा, चूंकि इस वर्ल्ड कप 2024 में जितने पिचेस यूज किए जा रहे हैं भाई, वहां पर मतलब स्पिनर्स के मुफीद कोई पिच देखने को मिल नहीं रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं नाकामयाब दिख रहा है, ठीक है, नाकामयाब हो जा रहा है। अब देखो यहां पे साकिब अल हसन को तो मैं छोड़ के जाऊंगा, आप भी छोड़ के जाना। वहीं पे मोहम्मदुल्ला की बात करें, देखो साकिब अल हसन को अगर आप ट्राई भी करना एका टीम पे, अगर चाहते हो कि बड़ा प्लेयर है ट्राई करना, तो सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग आए तो ट्राई करना, अदरवाइज छोड़ के जाना। मोहम्मदुल्ला की बात करें भाई, ऑफ ब्रेक बॉलर है लेकिन सामने की टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो मुझे नहीं लगता कि ओवर भी आपको ये करता हुआ दिखेगा, हालांकि ऑलराउंड सेक्शन में तो एक से दो ओवर कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो सकता है, इसलिए हालांकि आप बैटिंग से मतलब पॉइंट दे सकता है, तो आप कुछ टीमों पर ट्राई करना, वो भी कब करना है जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए, ठीक है ना, अदरवाइज आपको छोड़ के जाना है। अब देखो माइकल लेविट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ड्रॉप करके जा सकते हो। अब इस मैच में आपको एंगल ब्रेट ये आपको खेलता हुआ दिखेगा, इसको जरूर से ट्राई करना, कुछ टीमों पे ट्राई करना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो भी फर्स्ट इनिंग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब बस डिलीले को हर टीम पे आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा, 11 रन 2 विकेट, उसके बाद 0, उसके बाद 2 विकेट, मतलब कि विकेट से भी पॉइंट दे सकता है और बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है। इस मैच में मुझे लगता है कि अच्छा करके आपको दे सकता है, अच्छे पॉइंट्स लेके आपको दे सकता है। और भी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आपको नजर बनाना है ऑलराउंडर सेक्शन में, देखो उसके बाद एक खिलाड़ी और भी है जिसके ऊपर आपको नजर बनाकर रखना, देखो आर हुसैन ऑलराउंडर सेक्शन में आपको खेलता हुआ दिखेगा, ये खिलाड़ी इसको तो लेके जाना बनता है भाई, दोनों कंडीशन में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लगातार अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। वहीं पे यहां पे एक बॉलर आपको मिलेगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर टीम प्रिंगल, ठीक है ना, 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट इस तरह से, तो इस मैच में आप छोड़ के जाना, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब आगे हम यहां पर देख लेते हैं बॉलिंग सेशन में, तो देखो यहां पर गौर से समझना, देखो इस मैच में ये तंजीद हसन साकिब, अब देखो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 3 विकेट 1 विकेट उसके बाद लगातार विकेट ले रहा भाई, तो लेके जाना बनता भाई, लेके जाना। मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में विकेट लेके जा सकता है, पिछले मैच में विकेट नहीं लेके गया। अब तस्कीन अहमद की बात करें तो तस्कीन अहमद, ये दोनों खिलाड़ी, ये तीनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तीनों को लेके आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेगा और तीनों विकेट से आपको लेके दे सकता है, पॉइंट्स अच्छे दे सकता है। अब एलवन विक आपको ये ऑलराउंडर सेक्शन में खेलता हुआ दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा, लेके जाना, ठीक है ना, ऑलराउंडर सेक्शन में खेलता हुआ दिखेगा, हर हाल में लेके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे
वी किंगमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी टीमों पे मैं लेके जाऊंगा, आप भी लेके जा सकते हो। मिकेरन को मैं ड्रॉप करूंगा, इस मैच में ड्रॉप करके जाऊंगा, हालांकि अच्छा परफॉर्म है, देख सकते हो 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट इस तरह से, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखो यहां से 4 से 5 का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 से 5 खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि 5 खिलाड़ी के साथ आप जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आई होप के सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अच्छा लगा होगा। अब हम आगे यहां पर जान लेते हैं नीदरलैंड की तरफ से। देखो यहां पर स्टार्टिंग ओवर, यहां पर स्टार्टिंग ओवर 11 बिक और पी मिकेरन और किंगमा करता हुआ दिखेगा, मिडिल ऑर्डर में टीम प्रिंगल, उसके बाद यहां पर विक्रमजीत सिंह और किंगवा करता हुआ दिखेगा, डेथ ओवर यहां पे बिरले, उसके बाद 11 बिक और मिकेरन ये करते हुए दिखेंगे। अब बांग्लादेश की तरफ से देख लेते हैं। देखो यहां पर टीएच साकिब करता हुआ दिखेगा, उसके बाद तस्कीन अहमद और मुस्तफिज रहमान ये स्टार्टिंग ओवर करता हुआ दिखेगा, मिडिल ऑर्डर में साकिब अल हसन, मोहम्मदुल्लाह और आर हुसैन, डेथ ओवर यहां पर तस्कीन अहमद, मुस्तफिज रहमान करते हुए नजर आएंगे। इसके अकॉर्डिंग भी बॉलर्स को इजीली आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पर ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। अब देखो ट्रंप प्लेयर भी बता देता हूं भाई, ट्रंप प्लेयर आज के इस मैच में कौन हो सकता है ये भी आपका जानना जरूरी है। तो ट्रंप प्लेयर आप देखोगे ना, तो बांग्लादेश की तरफ से ट्रंप प्लेयर का काम जो कर सकता है वो है साकिब अल हसन, चूंकि मतलब सिलेक्शन परसेंटेज भी कमा है और दूसरी बात है कि अभी तक वैसा परफॉर्म निकल के नहीं आया है। हाँ कर सकता है भाई, तो आप कुछ टीमों पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद महमूदुल्लाह, ये दो खिलाड़ी हैं जो आपको ट्रंप प्लेयर का काम करता हुआ दिख सकता है। अब देखो इस तरफ से कौन ट्रंप प्लेयर का काम करेगा, तो इंगल ब्रेट ये आपको ट्रंप प्लेयर का काम कर सकता है, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स, ये ट्रंप प्लेयर का, ये दो खिलाड़ी है ना जो ट्रंप प्लेयर का काम कर सकता है। तो आई होप कि सब कुछ बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते चलाते दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लो भाई, लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं, आपको भी उठाना है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि जब भी मैं कोई फ्रेश वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।